पेंटिंग इज ऑलवेज फैसिनेटिंग। आज यहाँ इस कॉम्पिटिशन में हम कंटेस्टेंट्स की पेंटिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे। ये दीवार जो इस वक्त बिल्कुल सादी है, इसे रंगों से खूबसूरत बनाना है। इससे पहले कि हम कंपटीशन शुरू करें, चलिए मिलते हैं आज के कंटेस्टेंट से। एनएसी के 5 पेंटिंग और डेकोरेशन स्टूडेंट तिरुपति, जमील, श्रीनिवास, मंगल और भूपति के बीच होने वाला है पेंटिंग कंपटीशन। इन पेंटिंग हुनरबाजों को 5x5 की एक दीवार पर कलर पेंट करना है और उसके बीच बने 2x2 के सेक्शन में टेक्सचर पेंटिंग करनी होगी। एक ही दीवार पर कलर पेंट और टेक्सचर पेंट होने की वजह से इन हुनरबाजों को कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होगा। काम सफाई से करना होगा, दी हुई सीमा रेखा के अंदर करना होगा और सबसे जरूरी, दिए हुए 30 मिनट में पूरा करना होगा। तो आप सबका समय शुरू होता है अब। अब स्टार्ट होता है कंपटीशन। अपना अपना टेक्सचर पेंट और पेंटिंग में यूज होने वाले औजार लेकर इन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। टेक्सचर पेंट को सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि इसे ड्राई होने में वक्त लगता है। कलर पेंट और टेक्सचर पेंट अपने आप में दो अलग अलग स्किल्स हैं, इसीलिए इन हुनरबाजों का काम इतना आसान नहीं होगा। ये मेरा फेवरेट कलर है। इसलिए मैं लिया। अच्छा। अरे ये क्या हो रहा है प्रिंसी, क्या बात है, तिरुपति जी ने तो आपका फेवरेट कलर चुन लिया। मौसम बड़ा गुलाबी हो गया है। टेक्सचर पेंट में ब्रश का उतना इस्तेमाल नहीं है जितना कन्नी का, जिससे टेक्सचर पेंट में फिनिशिंग दी जाती है। तिरुपति और जमीर ने तो वॉल पेंटिंग भी शुरू कर दिया, लेकिन श्रीनिवास और भूपति तो अब तक टेक्सचर पेंट स्मूथ करने में ही लगे हैं। साधारण पेंट में थिनर मिलाते समय सही मात्रा का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि पेंट अगर गाढ़ा हुआ तो उसे लगाने में मुश्किल होगी और पतला हुआ तो कलर फीका हो जाएगा। बातों ही बातों में सारे हुनरबाज टेक्सचर पेंट खत्म करके शुरू कर चुके हैं वॉल पेंटिंग। पर जॉब करना लक्ष्मण रेखा के अंदर ही, क्योंकि अगर बाहर गए तो मार्क्स कट जाएंगे। यही 5x5 की मार्किंग के अंदर ही पेंट करना है और बस 30 मिनट में, जो कि घट के अब बस 8 मिनट रह गया है। अभी सबसे आगे चल रहे हैं भूपति जी और उनके बाद बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं तिरुपति जी। भाई जमील, क्यों दे रहे हैं काम में इतनी ढील? श्रीनिवास, मंगल, अब आप भी अपनी रफ्तार बढ़ाइए, टाइम निकला जा रहा है। भूपति और तिरुपति ने तो अपने टेक्सचर में डिजाइन निकालना भी शुरू कर दिया। और ये देखिए, देखते ही देखते तिरुपति जी निकल गए हैं सबसे आगे। अब सिर्फ टास्क के 3 मिनट बचे हैं और लगभग सारे हुनरबाज फिनिशिंग की ओर है। पर याद दिला दूं, जिसके काम में दिखेगी सबसे ज्यादा सफाई, उसी को मिलेगी जीत की मलाई। और अब होता है टास्क का टाइम फिनिश। 30 मिनट का जो समय इन्हें दिया गया था चैलेंज को पूरा करने के लिए, वो अब खत्म होता है। टाइम हो गया श्रीनिवास जी, आपका काम खत्म नहीं हुआ, आप हो गए डिस्क्वालिफाई। अब हमें ये जानना है कि इस चैलेंज का विनर कौन है। इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे मेंटर्स। टाइम और क्वालिटी के आधार पर तिरुपति ने न केवल सबसे कम समय बल्कि क्वालिटी का ध्यान रखते हुए पेंटिंग को खूबसूरती से अंजाम दिया है।